Assalamualaikum everyone. पहला आप जानते हो अल्लाह के सिवा नज़दीक कौन है? अल्लाह के सबसे नज़दीक वो है जिसका कैरेक्टर, जिसका अखलाक बहुत ही आला है। Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? आप देखें मैं YouTube चैनल SR Clips, आज बात करने वाली हूँ आपके साथ सना खान के बारे में। सना खान अक्सर फ्रेंड के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, बहुत ही प्यारी सी हंसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहते हैं। आज सना खान ने बहुत ही अच्छी सी बात अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, तो आइए चले वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बरए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Assalamualaikum everyone, पहले आप जानते हो अल्लाह के सबसे नज़दीक कौन है? अल्लाह के सबसे नज़दीक वो है जिसका कैरेक्टर, जिसका अखलाक बहुत ही आला है, वो अल्लाह के सबसे नज़दीक होते हैं। और ना कि वो जिनका दिल बहुत सख्त होता है और जो लोगों पे जुल्म करते हैं और उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एंड यू नो अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ या मैं इससे ऊंचा हूँ, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपना रिलेशन अल्लाह से मजबूत करना है और अल्लाह से जुड़ाना है कि जब हमें लोग देखें तो उन्हें अल्लाह याद आए, हमें देख के हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन आए, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने तकब्बुर को ख़त्म करना है, अपनी नेचर है जो अपना कैरेक्टर है उसे और बेटर करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जितने अच्छे रहेंगे लोगों के साथ हमें वही अच्छापन वापस मिलेगा। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हमेशा वो वापस मिले, बट फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द मखलूक, बट एट टाइम्स यू नो यू माइट नॉट गेट व्हाट यू आर गिविंग, बट रिमेंबर दैट देयर इज वन पर्सन हु इज गोना गिव यू इररिस्पेक्टिव। एक ही वो वाहिद ज़ात है जो आपको देख रही है, आपके अच्छे बुरे हर चीज़ पे नज़र रख रही है, चाहे आपको इसका इनाम, इसका बदला आपको यू नो दुनिया में ना मिले, उन लोगों से ना मिले, बट अल्लाह आपको ज़रूर देगा। अल्लाह आपकी कोई चीज़ इग्नोर नहीं करता है। सो बी पेशेंट एंड हैव सब्र, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड विद टाइम कि सब्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समवेयर, नॉट जस्ट इन दुनिया बट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, यू हैव टू हैव सब्र, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड टेस्टिंग योर सब्र। जब आप चेंज होगे अपने अंदर, यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने चेंज करने की कोशिश करोगे, दे विल इंस्टिगेट यू के यू नो वेयर दे वुड वॉन्ट टू ब्रिंग आउट a negative version of you, but humko koshish karni hai ki no matter what, hum of course you know you do get provoked, hum sab provoke hote hain, but hame koshish karni hai ki hum ne jo faisla kar liya hai hum us pe dat ke rahe, use himmat se pakde rahe, uski jo kehte hain na door hai use tight pakde rahe aur us raste pe chale jo hamara goal hai, jo hamara destination hai। aur zahir si baat hai, hum jo bhi is duniya mein karte hain it is kyunki hum allah se reward chahte hain duniya aur aakhirat dono ke liye, not just duniya but aakhirat aakhirat aakhirat। and सबसे पहले आपको रिवॉर्ड जो अल्लाह से चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी आखिरत है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हो। एंड ऑब्वियसली जब आखिरत आप सोच के चीज़ें करते हो तो अल्लाह दुनिया भी आपको साथ ही साथ दे ही देता है। सो दिस इज़ टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर यू नो गेटिंग प्रोवोक्ड एंड हु आर गेटिंग इंस्टिगेटेड। ये रोज़मर्रा का मामला है और छोटे बड़े हर यू नो सिचुएशंस में होता है, वर्क प्रोफेशंस में होता है। सो आई जस्ट वांट टू से that have sabr and believe that Allah is going to do the best for you, he's going to do the best for you, he's the best of the planner। kehte na Allah us सोल को इतना प्रेशर नहीं करता है जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप ये ना सोचो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो ये बर्दाश्त करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो कुरान की आयत ये कहती है, तो जाहिर सी बात है अगर अल्लाह ये कहते हैं तो अल्लाह तो सच कहते हैं और वहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बदलती है। तो बेशक अगर हमारे पे आज कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, वी नो कि ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं और ये मुसीबत और परेशानी हमें अल्लाह के और नज़दीक ले आती है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि कोई मसला आपका रिलेशन अल्लाह से और बेहतर कर दे और आपको एक और अच्छा इंसान बना दे और बेहतर इंसान बना दे जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर वो होगा। तो दिस इज जस्ट अ लिटिल पेप अप मैसेज फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई रियली वांट टू से दैट हिम्मत रखें,
अल्लाह सब ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।